नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार, आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर पहुंचे भारत। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से किया स्वागत, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ओमान के सुल्तान की हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आगवानी। ओमान के सुल्तान शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी करेंगे मुलाकात। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में दोनों ही देशों की है दिलचस्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक महीने से भी कम समय में 2,50,00,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई थी। इस यात्रा में 22 दिन में 1,00,00,000 लोगों की भागीदारी देखी गई और अगले 9 दिन में ये संख्या 2,50,00,000 तक पहुंच गई। उत्तराखंड के सीमांचल जनपद चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों जोशीमठ तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की दे रही है जानकारी। इसके साथ ही जोशीमठ के दूरस्थ गांव कलगोट, ठुमक, डुमक और किमना, तपोवन, सलधार, रैरी, भला गांव में आयोजित शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि योजनाओं का लाभ से छूटे लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। जोशीमठ के दूरस्थ गांव कलगोट के नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस यात्रा से ग्रामीणों द्वारा योजनाओं की संपूर्ण जानकारी ली गई। आज विजय दिवस है। कोलकाता में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक विजय के 52 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेनाओं की पूर्वी कमान ने सैन्य टैटू प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के निस्वार्थ बलिदान को राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। विजय दिवस पर मैं उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया और ऐतिहासिक जीत हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आर्मी हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। स्वागत समारोह में सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के साथ ही अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की और उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव की बात है। पीएम ने कहा कि उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमेशा हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
जम्मू कश्मीर में टाइगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल गौरव गौतम ने विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बलिदान स्तंभ पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय फौज की स्वर्णिम गाथा विजय गाथा को खुद में समेटे ये दिन हमें भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है, तो वहीं इस युद्ध के दौरान देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीर जवानों को भी हम नमन करते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली थी, जो आज बांग्लादेश है, इसीलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। असल में भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, जहां दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क ना होना एक बड़ी समस्या थी। सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन की लापरवाही भी एक प्रमुख चुनौती थी। 1960 दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। भारत पाकिस्तान के बीच इस युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तान के जनरल याहिया खान का दमनकारी सैन्य शासन और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी फौज का व्यापक नरसंहार था। 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियार बंद करने और आपूर्ति और सलाह संबंधी कारणों से ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए युद्ध का फैसला किया। युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया। ये युद्ध 13 दिनों तक चला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो सानंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वो अहमदाबाद में महाराष्ट्र समाज अहमदाबाद के शताब्दी महोत्सव में भी मौजूद रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह 6 एडवांसमेंट इन एंड्रियोलॉजी सम्मेलन में भी भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जाएंगे। भाजपा को 3 राज्यों में मिली भारी जीत के बाद आज जेपी नड्डा का बिलासपुर में अभिनंदन होगा। सुंदरनगर में भी जेपी नड्डा अभिनंदन कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वो एक रोड शो में भाग लेंगे। जेपी नड्डा सुंदरनगर जिले के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कार्यालय अवलोकन, अभिनंदन और संबोधन होगा। मुख्यमंत्री संवाद केंद्र में जेपी नड्डा पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में लोगों से मुलाकात की और बातचीत की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार गौतम नवलखा से पूछताछ करेगी। पूछताछ न्यूज क्लिक मामले में की जाएगी। गौतम नवलखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाउस अरेस्ट में है। हाल ही में न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद ये बातचीत हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह के दौरान यातायात का डायवर्जन किया जाएगा, इस जिसके लिए लोगों को पहले से ही बताया जा रहा है।
काशी के नमो घाट पर प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। तमिल संगमम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। काशी के लोगों में तमिल संगमम को लेकर काफी उत्साह है। काशी तमिल संगमम का आयोजन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस काशी तमिल संगमम का उद्घाटन प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को काशी के नमो घाट पर करेंगे। इसका उद्देश्य और तैयारियों पर संयुक्त सचिव नीता प्रसाद ने जानकारी दी। बेलगावी में महिला के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार सवालों के घेरे में है। घटना को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। बीजेपी आज इस प्रकरण पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री अभी तक पीड़िता से मिलने अस्पताल भी नहीं गए। गुजरात के सूरत में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें 43 स्कूलों और 22 कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य मंत्री मुकेश पटेल और प्रफुल्ल पंसेरिया भी मौजूद थे। सीआर पाटिल ने कहा, हमने संदेश दिया है कि मानव श्रृंखला के जरिए सूरत स्वच्छता में नंबर वन और सबसे सुरक्षित है। देश में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 23 से 25 दिसंबर के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश होने के आसार हैं। आज बादल छाए रहने और ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में कड़ाके की ठंड 25 दिसंबर के आसपास पड़ने वाली है। कश्मीर में कई स्थानों पर कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर हो रही है। सर्द हवाएं लोगों को ठंड का एहसास करा रही हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। सराय काले खां शेल्टर होम में 20 बेड हैं और सारे भरे हुए हैं। यहां पर सभी सुविधाएं हैं। मेडिकल टीम यहां पर आती है और यहां पास ही में मोहल्ला क्लिनिक भी है। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कुछ दिनों में AQI में गिरावट आई, लेकिन आज फिर से राजधानी का AQI 420 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के 5 इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसमें शादीपुर और जहांगीरपुरी सबसे ऊपर है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी बेहद खतरनाक हो गई है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली में अगले कई दिनों तक बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। तापमान में गिरावट के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलाशयों का पानी जमने लगा है। पानी पर बर्फ बननी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने 3000 क्विंटल से अधिक मशरूम की पैदावार की है, जिससे राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। राजस्व 6 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। सरकार ने NLC इंडिया लिमिटेड को झारखंड में औपचारिक रूप से कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। सरकारी स्वामित्व वाली इकाई ने इस बात की जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNGP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए भारत कर रहा है विशेषज्ञ उपलब्ध। भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसकी GDP 5000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पगड़िया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आगे चलकर 2027 में अर्थव्यवस्था का आकार 5500 अरब डॉलर से अधिक होगा। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड का मूल्य 6149 रुपये प्रति ग्राम होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनने जा रहा है। ये इंटरचेंज 123 करोड़ रुपए की धनराशि से बनकर तैयार होगा, जो लगभग 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा बल्कि संपन्न हीरे और कपड़ा उद्योगों के लिए निर्बाध निर्यात आयात संचालन की सुविधा भी प्रदान करेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2816 अरब डॉलर से बढ़कर चार महीने के उच्चतम 606.859 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार 6104 अरब डॉलर उछलकर 604.042 अरब डॉलर हो गया था। 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह के बाद से ये सबसे अधिक बढ़त थी। एनटीपीसी माइनिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 2.32 लाख टन कोयला उत्पादन किया है। ये पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त 2.32 लाख टन के उत्पादन स्तर से कुछ अधिक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ। यूक्रेन के पश्चिमी जेकार पट्टिया में इमारत में किए गए ग्रेनेड विस्फोट में कम से कम 26 लोग घायल हो गए। घायलों में से 6 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के पीछे हमलावर और कैरेट्सकी क्षेत्रीय समुदाय के प्रमुख के बीच संघर्ष बताया जा रहा है। इसराइल हमास संघर्ष के बीच इसराइल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि इसराइली सेना ने गलती से गाजा में हमास द्वारा रखे गए 3 इसराइली बंधकों को मार डाला है। प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में सेना समीक्षा कर रही है। मामले में डेनियल हगारी ने कहा कि IDF दुखद घटना की जिम्मेदारी लेता है। उन्होंने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां सैनिकों ने आत्मघाती हमलावरों सहित कई आतंकवादियों का सामना किया। इन सभी को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर हमले के दौरान अगवा करके बंधक बनाया। कोलंबिया के बंदरगाह बैरेंकुला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 टन से अधिक कोकीन जब्त की है। तस्करों ने कोकीन को कोयले की डली में छिपा कर रखा था। जब्त किए गए कोकीन को यूरोप के लिए सप्लाई किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि इस कोकीन का अनुमानित बाजार मूल्य 10.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसराइल हमास के बीच जारी संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के कैमरामैन की दक्षिणी गाजा पट्टी में मौत हो गई है। अल जजीरा ने बयान में कहा है कि कैमरामैन समीर अबू दक्का स्कूल में बमबारी को कवर करते समय अपने एक सहयोगी के साथ घायल हो गए। मामले में अल जजीरा ने कहा कि कैमरामैन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में ड्रोन से दागी गई मिसाइल की चपेट में आ गए। हवाई हमले में अब तक लगभग 90 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। संघर्ष विराम की पहल के बावजूद तनाव बरकरार है। वहीं कल इसराइल लेबनान सीमा क्षेत्र के पास पहाड़ियों से धुएं के गुबार उठे और विस्फोटों की आवाज सुनी गई। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी हो रही है। हालांकि हिंसा को काफी हद तक सीमा क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित क्षेत्रीय पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। 3 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकवादी समूह अंसारुल इस्लाम ने ली है। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान प्रशासन के खिलाफ प्रतिबंध निगरानी दल के मिशन को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। UNSC सदस्यों ने संकल्प 2716 को मंजूरी दे दी है जिसमें प्रतिबंध निगरानी टीम ने संकल्प 1988 द्वारा स्थापित समिति का समर्थन करने का अनुरोध किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में खेले गए इकलौते टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड पर 347 रन की विशाल जीत हासिल की। दूसरी पारी में भारत से मिले 479 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम। दूसरी पारी में 131 रन ही बना सकी।
भारत की ये जीत रन के मामले में महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा ने दूसरी पारी में भी 4 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने इस सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने परिवार में मेडिकल इमरजेंसी के कारण ये फैसला लिया। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। शमी के बारे में BCCI ने बताया कि उनकी टेस्ट सीरीज में भागीदारी फिटनेस पर निर्भर थी। शमी की फिटनेस को BCCI मेडिकल टीम ने मंजूरी नहीं दी है। इससे पहले दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पारी 428 पर समाप्त की, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं, जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रोक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या IPL के अगले संस्करण में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को हार्दिक पांड्या के कप्तान बनाए जाने की घोषणा की थी। हार्दिक पांड्या ने इससे पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने 2 बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया। 2022 में गुजरात की टीम चैंपियन बनी थी और 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल हारी थी। रोहित 10 सालों तक मुंबई के कप्तान रहे। उन्हें 2013 में मुंबई का कप्तान बनाया गया था। रोहित की कप्तानी में ही मुंबई ने अपने सभी 5 खिताब जीते। रोहित ने 2013, 2015, 2017, 2020 उन्होंने 5 बार टीम को चैंपियन भी बनाया। आयरलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में आयरलैंड के जोशुआ लिटिल ने 36 रन देकर 6 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में आज राजस्थान का सामना हरियाणा से होगा। राजस्थान ने सेमीफाइनल में कर्नाटक को हराया था, वहीं हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अश्विनी पोनप्पा और तनीषा कास्ट्रो की भारतीय महिला जोड़ी ओडिशा मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्विनी और तनीषा की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को कड़े मुकाबले में 22-20, 20-22, 21-14 से मात दी। टी गुकेश ने लेवोन अरोनियन के खिलाफ ड्रॉ के साथ चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। इस प्रतियोगिता का आयोजन क्लासिकल प्रारूप में हो रहा है, जिसमें 8 ग्रैंड मास्टर भाग ले रहे हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ITF विश्व चैंपियन का पुरस्कार हासिल किया। उन्हें इस सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला वर्ग में आयना सबालेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबालेंका ने पहली बार ये पुरस्कार हासिल किया। महिला विश्व कप विजेता स्पेन ने ताजा जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। स्पेन ने UEFA नेशंस लीग के अंतिम 4 में पहुंचने के बाद 1 स्थान के सुधार के साथ पहला स्थान हासिल किया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी अपने प्रमुख स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड की चोट पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि क्लब विश्व कप के मैच से पहले वो ठीक हो जाएंगे। हालांड चोट के कारण टीम के पिछले 2 मुकाबले नहीं खेल पाए थे। प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने नॉटिंगहम फॉरेस्ट को 2-0 से हराने में सफलता पाई। टॉटनहैम
की तरफ से दोनों हाफ में एक एक गोल हुए। इस जीत के साथ टॉटनहम की लीग में पांचवें स्थान बरकरार रखा। फिल्म फाइटर का पहला गाना शेर खुल गए रिलीज हो गया है। रिलीजिंग के साथ ही ये गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म फाइटर का पहला गाना शेर खुल गए पूरी तरह से एक पार्टी एंथम है। इस ट्रैक में दोनों कलाकारों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। फिल्म फाइटर भारतीय वायुसेना की वीरता और साहस का प्रतीक है। फाइटर 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान को स्विमिंग करने के लिए डांट लगाई थी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने उस घटना को याद किया जब शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना को तैराकी के लिए जिद करने पर डांटा था। सुहाना खान को शाहरुख खान ने दी सलाह, कहा सिर्फ निर्देशक और अपने दिल की सुनो। सुहाना खान ने क्विज बेस्ड रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। राज्य की प्रमुख मलयालम फिल्म संस्था केरल राज्य चलचित्र अकादमी के सामान्य परिषद के सदस्यों ने रंजित को अकादमी के अध्यक्ष पद से हटाने की शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मांग की। हालांकि रंजित ने कहा कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। लाहौर सूट सूट और राम मोरनी बनके जैसे हिट गाने देने वाले गायक गुरु रंधावा अब एक नए ट्रैक के लिए अमेरिकी रैपर रिक रॉस के साथ सहयोग कर रहे हैं। गुरु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ये सहयोग की घोषणा की है। ये फ्यूजन ट्रैक जल्द ही रिलीज होने के लिए तैयार है। बंगाली हिंदी सिंगर अनूप घोषाल ने 77 साल की उम्र में दम तोड़ दिया है। सिंगर को तुझसे नाराज नहीं जिंदगी के लिए जाना जाता था। फिल्म मासूम में इन्होंने ये गाना गाया था। दर्शकों के बीच ये गाना आज भी काफी मशहूर है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।